नमस्कार, आवाज एंटरप्रेन्योर में आप सभी का स्वागत है, जहां हम आपको अपने बिजनेस को शुरू करने से लेकर उसे बढ़ाने के तरीके बताते हैं। कारोबार बड़ा हो या छोटा, रिटेल स्पेस में हो या फिर सर्विस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ, सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल किसी भी कारोबार की कामयाबी में मददगार साबित होता दिखाई दे रहा है। खासकर स्टार्टअप्स के लिए ये एक बहुत बड़ा वरदान है, लेकिन सभी एंटरप्रेन्योर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना नहीं जानते, इसीलिए इसके इस्तेमाल के सही तरीके सीखना काफी जरूरी होता है। सोशल समोसा इस वेब पोर्टल ने सोशल मीडिया की मेंटरिंग सेशन को ऑर्गेनाइज किया। देखते हैं स्टार्टअप्स को इसका कितना फायदा हुआ। मार्च 2013 में वेंकट अय्यर और राजीव छाजर ने लास्ट बेंच नाम से प्रैक्टिकल लर्निंग कंटेंट देने वाली कंपनी शुरू की। फॉर्मल एजुकेशन में सॉफ्ट स्किल्स डेवलप कर स्टूडेंट्स को कॉर्पोरेट जॉब्स के लिए ट्रेन करने से काम की शुरुआत हुई। अभी हम लोग इन पर्सन डिलीवरी कर रहे हैं कॉलेजेस के लिए, उनको उनके स्टूडेंट्स को स्किल्स लाने के लिए, ताकि वो कॉर्पोरेट जॉब्स में अच्छे रहे। ये सॉफ्ट स्किल्स बेस्ड ट्रेनिंग है, जैसे कम्युनिकेशन, मोटिवेशन, एटीट्यूड। हम लोग इवेंचुअली कॉर्पोरेट ट्रेनिंग भी अभी जैन 2014 को शुरू करने वाले हैं। हम लोग ने एक अमेरिकन कंपनी के साथ टाई अप किया है जो ई लर्निंग मॉड्यूल्स बनाते हैं, और इवेंचुअली हम लोग ये करना चाहते हैं कि सब मॉड्यूल्स जो हमारे हैं वो डिजिटल लर्निंग हो, ऑनलाइन अवेलेबल हो। अब धीरे धीरे हर तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाकर बिजनेस डेवलपमेंट पर फाउंडर्स फोकस कर रहे हैं। 5 लाख के निवेश से शुरू हुआ ये स्टार्टअप टेक्नोलॉजी बेस्ड है। लास्ट बेंच के एजु प्रोग्राम्स का एक्सेस दुनिया के किसी भी कोने से किया जा सकता है। अर्ली स्टेज में लिमिटेड फंडिंग और बिजनेस डेवलपमेंट के साथ साथ मार्केटिंग पर फोकस करना भी जरूरी होता है, लेकिन लिमिटेड बजट के चलते मार्केटिंग पर ज्यादा खर्च स्टार्टअप्स अफोर्ड नहीं कर पाते। ऐसे में सोशल मीडिया का ही इस्तेमाल मार्केटिंग के लिए करके कारोबार को बूस्ट मिल सकता है। काफी महीनों में हम लोग को ये पता चला है कि सोशल मीडिया एक काफी कॉम्प्लेक्स और काफ़ी मेहनत डालनी पड़ती है, उसमें प्लान करना पड़ता है, स्ट्रैटेजाइज करना पड़ता है। और हम लोग का बिजनेस जो है वो सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस है। हम लोग बिजनेसेस दूसरे बिजनेसेस को टारगेट करते हैं B2B सेक्टर में, तो हम लोग ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि हम ये समझ पाए कि हमारा सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, हम क्या पोस्ट करना चाहिए, हम लोग कैसे दूसरे लोगों से बात कर पाए, दूसरे कंपनी से बात कर पाए और इवेंचुअली हमारा सेल्स बढ़ा सके। लास्ट बेंच के फाउंडर्स को सोशल मीडिया के इस्तेमाल का लेसन मिला सोशल समोसा ने आयोजित किए मेंटरिंग सेशन के जरिए, जहां सोशल मीडिया के बढ़ते दायरे का इस्तेमाल कारोबार के विस्तार में कैसे किया जाए, इस पर सोशल समोसा ये वेब पोर्टल दिसंबर 2011 से काम कर रहा है। बिजनेस ओनर्स हो, ब्रांड मैनेजर्स या फिर एजेंसी प्रोफेशनल्स, सोशल समोसा पर आप सभी के लिए सोशल मीडिया के सही इस्तेमाल के लिए आर्टिकल्स, केस स्टडीज, कैंपेन रिव्यूज, इंटरव्यूज, ब्रांड स्ट्रेटजीज के जरिए कंटेंट दिया जाता है। सोशल समोसा ने गूगल हैंगआउट की मदद से स्टार्टअप्स के लिए मेंटरिंग सेशन ऑर्गेनाइज किया, जिसे देश भर से काफी बढ़िया रिस्पांस मिला है। स्टार्टअप्स जनरली स्ट्रगल करते हैं फंड्स के लिए, तो दे कांट अफोर्ड टू हायर अ सोशल मीडिया एजेंसी, तो वो कैसे सोशल मीडिया को यूज करें? उनको जरूरत तो है, उनको फायदा भी मिल सकता है, काफी कॉस्ट इफेक्टिव मीडियम है मार्केटिंग का सोशल मीडिया उनके लिए। तो हमने सोचा कि हम ये एंटायर सेटअप एक ऑर्गेनाइज करते हैं, जहाँ की हम इंडस्ट्री से मेंटर्स लेके आएंगे, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स लेके आएंगे, जो कि इंडस्ट्री को फाउंडर्स हैं या बड़ी कंपनीज में काफी लीडिंग पोजिशंस में है, और उनको हम लाएंगे, उनको एक्सेस देंगे, हम स्टार्टअप्स को एक्सेस देंगे हम इन मेंटर्स का। और एक हमारा दूसरा चैलेंज था कि अच्छा, हम सिर्फ मुंबई में करें तो काफी सारे स्टार्टअप्स फिर उनका फायदा नहीं उठा पाएंगे, तो हमने सोचा कि हम ये टेक्नोलॉजी, क्योंकि हम ऑलरेडी सोशल मीडिया के बारे में बात करते हैं, तो क्यों ना हम इस मीडियम को यूज करें फॉर दिस एंटायर एक्टिविटी। तो हमने सोचा कि हम 45 स्लॉट्स ओपन रखेंगे, 15 मेंटर्स इंडस्ट्री से लेके आएंगे, और फॉर अ वेरी नॉमिनल फी हम ये स्टार्टअप्स को ये यू नो ये नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म ऑफर करेंगे। हम पहुंचे लास्ट बेंच के मेंटरिंग सेशन में, जहां गोजूप के फाउंडर अहमद नकवी ने शेयर किए सोशल मीडिया के गुर। हाय अहमद, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे फॉर दिस सेशन। Pleasure. Thank you for taking out time to help Last Bench with their social media strategy. I guess one of the biggest questions that I have is, how can I leverage social media for conversions and sales? You know, because we're a service-oriented startup and
what can we do right to ensure that we generate the leads and we can convert them? Sure, Venkat. I had a look at your entire Facebook presence and we noticed that there's too much of information being given out, right? And you have to realize that people on Facebook at that time might not really want to interact with the kind of information that we're giving out. So we should be focusing more on internal content, right, in terms of your HR, in terms of your team, in terms of building a very happy culture using Facebook as a platform. But our objective is not just that. Our objective is to build leads and generate leads. For that, I would recommend you to participate more actively as a thought leader in LinkedIn groups and employ certain kind of tricks where in LinkedIn groups you can also send messages to your second and third level nested contacts, right? Okay. Certain best practices, always introduce yourself well in a group, always make sure that you're adding good value to the group and not trying to sell your products, right? Social media in turn, even if you use LinkedIn for it, it's more about building the human aspect of you as an individual and as a brand as well. इसी के साथ वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के बाद मिलेंगे एक ऐसे एंटरप्रेन्योर से जो टेक्नोलॉजी की मदद से बच्चों के स्कूलिंग एक्सपीरियंस को और भी मजेदार बना रहा है.